इसमें सीखेंगे कि हम छोटे बच्चों को किस प्रकार आसान ट्रिक से अल्फाबेट लिखना सिखाएंगे। बहुत से पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे अल्फाबेट्स अभी तक लिखना नहीं जाने। कारण यह है कि हम अपने बच्चों को बिना कुछ सिखाए सबसे पहले ए और बी लिखना सिखाने लगते हैं, जो कि एकदम गलत तरीका है। इन सब लिखने से, एबीसीडी लिखने से पहले बच्चों को कुछ बेसिक चीजें होती हैं, बेसिक पैटर्न होते हैं, जिसे सिखाना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हमें उसको स्टैंडिंग लाइन बनानी सिखानी चाहिए कि हमें टू डॉट्स पे किस प्रकार स्टैंडिंग लाइन खींचनी है। सबसे पहले उसको स्टैंडिंग लाइन बनाना सिखाइए, उसके बाद उसे स्लीपिंग लाइन, उसके बाद उसे स्लीपिंग लाइन। जब ये पैटर्न का आप यूज करेंगे तो आपका बच्चा, आप देखेंगे कि अपने आप उसके हाथ जो अभी शुरुआत है तो उसके हाथ एकदम जमने लगेंगे। उसके बाद हमें उसे स्लैंटिंग लाइन बनानी सिखानी है, और उसके बाद हमें उसे कर्व बनाना सिखाना है। जैसे हमने हिंदी लिखते समय सारे पैटर्न किए थे, उसी प्रकार से हमें इस पैटर्न को यहाँ पे भी फॉलो करना है, जिसकी हेल्प से हम अल्फाबेट सीखेंगे। तो जब बच्चे का हाथ इन जो चार पैटर्न मैंने बताए हैं, फोर पैटर्न, इसमें एकदम परफेक्ट हो जाएगा बच्चा, तो अल्फाबेट तो अब हम देखेंगे कि हम तुरंत ए से स्टार्ट नहीं करेंगे, तो हम देखेंगे इन अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जो अल्फाबेट बनता है उस पैटर्न के हिसाब से हम बनाएंगे। जैसे सबसे पहले हम उसे आई बनाना सिखाते हैं। बच्चे ने पहले स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन सीख ली है, तो बच्चे स्टैंडिंग लाइन आराम से बना लेगा, स्लीपिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, तो ये बच्चा आराम से आई बना सकता है। उसके बाद हम उसे एल बनाना सिखाएंगे, तो स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, टी बनाना सिखाएंगे, स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन, एच बनाना सिखाएंगे, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, जो भी इस पैटर्न से बनता है वो हम सबसे पहले सिखाएंगे। ए बनाना सिखाएंगे, स्लैंटिंग लाइन ऐसे। उसके बाद हम उसे एफ बनाना सिखाएंगे। तो जब बच्चे ने पैटर्न पहले से सीख लिया है तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी। एफ के बाद हम उसे ई बनाना सिखाएंगे। अगर आप अगर इस सीक्वेंस से छोटे बच्चों को बनाना सिखाएंगे तो बहुत जल्दी और आसानी तरीके से वो बनाने लगेगा। इसके बाद हम उसे के फॉर काइट बनाना सिखाएंगे, तो स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे, फिर जे फॉर जग, स्टैंडिंग लाइन और यू ऐसे मोड़ देगा, जे फॉर जग। इसी और उसके बाद हम उसे सी बनाना सिखाएंगे। जब बच्चे ने पहले कर बना लिए तो सी आराम से आप उसको एक बार बताएंगे कॉपी में, तो सी बना लेगा। उसके बाद इसी सी के अकॉर्डिंग हम उसे डी बनाना सिखाएंगे, स्टैंडिंग लाइन, फिर ऐसे डी, फिर क्या बनाएंगे, फिर हम उसको जी बनाना सिखाएंगे। तो सी फॉर कैट जब उसने पहले ही बना लिया है तब उसे हम जी बनाना सिखाएंगे, कि पहले उसने सी बनाया, फिर छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, और फिर एम बनाना सिखाएंगे, स्टैंडिंग लाइन ऐसे मिले ऐसे, फिर एन, दो स्टैंडिंग लाइन और फिर ऐसे, फिर ओ बनाना एक बार ऐसे, फिर ऐसे, फिर ओ जब बनाना बच्चा सीख ले तब उसे क्यू फॉर क्वीन बनाना सिखाए, पी फॉर पैरेट बनाना आप सिखाए उसको, स्टैंडिंग लाइन, फिर ये बनाया और ये हो गया पी फॉर पैरेट। इसी के अकॉर्डिंग इसको आर फॉर रैबिट बनानी, स्टैंडिंग लाइन, फिर पी फॉर पैरेट बन गया, और बच्चे से आराम से आप कहेंगे तो बच्चे ये लाइन खींच देगा। फिर एक्स फॉर एक्समस, एक बार इधर से, एक बार इधर से, वाई फॉर यार और ऐसे, जेड फॉर जेब्रा। ये जब बच्चे आराम से इन अल्फाबेट को पहले बनाना सीख जाएगा, अल्फाबेट को जब पहले बनाना सीख जाएगा तो फिर आराम से सीख सकेगा। तो हम इसी अकॉर्डिंग अब देखेंगे, अब हम जब बच्चे ये बनाना सीख गया अब हम उसको एबीसीडी स्टार्ट करेंगे। तो अब हम उसको देंगे ज्यादा नहीं, छह छह वर्ड लेटर देंगे, ए फॉर एप्पल। इसके बाद हम उसे, अब हम उसको सीक्वेंस में सिखाना स्टार्ट करेंगे, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। अब हम उसको सीक्वेंस में सिखाना, फोर फोर लेंगे और इसको रिविजन कराते जाएंगे। तो बच्चे ने पहले कुछ अल्फाबेट सीख लिए हैं, तब थोड़े से और हैं जो बच्चे आसानी से सीख जाते हैं। डी फॉर डॉग हम सिखाएंगे, फिर ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर ग्रेप्स, एच फॉर हैंड, आई फॉर आइसक्रीम, जे फॉर जग, के फॉर काइट, एल फॉर लॉयन। अब देंगे हम इसमें
M for monkey. M for next. O for orange. P for parrot. Q for queen. R for rabbit. S for sun. बच्चे का हाथ पहले उसमें हो गया तो आराम से बच्चे कुछ बनाना सीख जाएंगे. S T फिर U for umbrella. V for van. W for watch. X for Xmas. Y for yard और Z for zebra. तो बच्चों ने पहले सीख लिया, जब सीख लिया तो आप बच्चों से इसके अगर बार बार प्रैक्टिस कराएंगे तो बच्चे आराम से सीखेंगे. लेकिन सबसे पहले आप उन्हें पैटर्न की प्रैक्टिस करें, जो सबसे पहला है पैटर्न की प्रैक्टिस, और फिर जो पैटर्न से संबंधित जो भी लेटर है उसको आप कराएं. उसके बाद आप सीक्वेंस में चलेंगे तो आपका बच्चा जरूर अच्छे से एकदम सीक्वेंस को सीख जाएगा. आशा करती हूँ इस छोटे से वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा. आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ. गॉड ब्लेस यू.